तरह के पूल ज़्यादा बन रहे हैं और ज़्यादा एफिशिएंट हैं, तो ये बनाने आसान है, चलाने आसान है, लगाने आसान है और आपकी जेब खर्च पे भी कम असर पड़ता है जब आप मेंटेन हो गया। ओके, इसके अंदर में जो कार्टेज फिल्टर लगाता है इसी की बदौलत आपको 0% वाटर वेस्टेज है। सेकेंडली हमने क्या किया है कि पहले फिल्टर दिया बाद में पंप लगाया, सो दैट कि पंप की जो भी वियर एंड टियर है वो भी आपकी खत्म हो जा रही है। यहाँ पे अगर आप पंप देखें तो पंप के अंदर बिल्कुल ड्राई है, ना कुछ है, ना पत्ते आएंगे, ना कुछ भी क्लोगिंग मटेरियल नहीं आएगा। तो ये होती है, ये जो आप पानी देख रहे हो करीब 1.5-2 साल पुराना है, यही पानी रहता है, ना निकालते हैं ना डालते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी क्लोरीन कंजम्पशन है या रनिंग कॉस्ट है वो कमती हो जाती है। ये इन्होंने छोटा सा फार्म हाउस बनाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड पूल। इसका हमारा पर्पज होता है एनी साइज एनी शेप एनी वेयर पूल। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि कॉस्टिंग क्या होने वाली है छोटा पूल लगाने के। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आपके लिए कॉस्टिंग नेगलिजिबल है, बिल्कुल ये कोई ऐसी बड़ी कॉस्टिंग नहीं है। हमारा मिशन इसी पिच का, हमारी गारंटी है 15 साल की हम गारंटी देते हैं, 25 साल हमको पूल बनाते हो गए, पहले हम कंक्रीट के पूल बनाते थे, हजारों पूल हमने ये दिए हैं और आज तक भी कोई कहीं शिकायत। स्टोरेज यही होती है, फिक्सिंग यही होती है और जो आफ्टर सेल है वो भी हम ही देते हैं। तो इसीलिए आप देखिए 25 साल से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। ये पूरे पूल की जो हाइट है ये करीब करीब 25 फुट है और ये जो नेक्स्ट पूल आप देख रहे हैं ये हमारा 24 फुट का है, लेकिन इसकी चौड़ाई हमारी कम है, हम बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं रख सकते क्योंकि 11-12 फुट से ऊपर में ट्रांसपोर्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, मैं आपका अपना सागर सिंह गुलवान आज आप लोगों को बिगेस्ट पूल मैन्युफैक्चरर के साथ में मिलवाने वाला हूं और ये बहुत ही बेहतरीन पूल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहां पर आप लोग बहुत ही बड़े बड़े पूल्स भी देख पाएंगे, चाहे आप लोग फार्म हाउसेस के लिए पूल चाहते हैं, चाहे हाउस के लिए पूल चाहते हैं, एवरीथिंग यहां पर मिलने वाली है। तो सर से मिलवाते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको यहां देखने के लिए मिलेंगी वो बताते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो जी, नमस्कार, मैं ठीक हूँ। तो सर, किस तरीके के पूल आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? तो आप जो पीछे देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रेडीमेड पूल जी। तो रेडीमेड पूल में भी एक खास बात यह है कि ये आपको डिज़ाइनर पूल दिख रहा है जी। नॉर्मली आप देखेंगे जो सॉलिड कलर पूल होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ब्लू कलर का पूल है, तो इसको हम सॉलिड स्टैंडर्ड पूल बोलते हैं, इसको हम डिज़ाइनर पूल बोलते हैं। स्टैंडर्ड डिज़ाइनर में फ़र्क ये होता है कि डिज़ाइनर हम डिज़ाइन दे सकते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वाइट ब्लू और जो भी कलर होते हैं। तो हर तरीके के पूल्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप लोग पूल से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो भी इनके साथ में जुड़ सकते हैं। एवरीथिंग जानकारी मैं दिखाने वाला हूं, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, पूरी कवर करवाने वाला हूं, किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अरुण सर, हमें अपनी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेकर आ चुके हैं जहाँ पर छोटे बड़े हर तरीके के पूल आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। सर, कहाँ से शुरू करने वाले हैं? देखो, मैं सबसे छोटे पूल से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा सबसे छोटा पूल है, ये करीब 5 फीट बाई 7 फीट बाई 2.5 फीट है जी। इसमें ये बेंच लगी हुई है जिसपे आप बैठ सकते हैं। ये जो पूल हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आते हैं, एलईडी लाइट आती है, तो सबसे छोटा पूल यही है। इसको आपने बालकनी में, छत के ऊपर या घर के अंदर भी रख सकते हैं क्योंकि इसका जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है, 5.5-6 फुट के आसपास है, जो 6 फुट के दरवाजे में आराम से आ सकता है। और इस तरीके से हम लोग ये पूल बना सकते हैं। अगर इसमें किसी को ग्लास विंडो लगानी है तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर में ग्लास विंडो की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे छोटे पूल। अब हम बात करते हैं स्पा की। दूसरे होते हैं हमारे प्रोडक्ट जो हॉट टब और स्पा बोलते हैं, तो इसमें भी आपके जेट्स लगे होते हैं, जकूजीज होते हैं, एयर बबलर्स होते हैं, बाकी चीज़ें लगी होती हैं। अब आते हैं हम अपने बड़े पूल के ऊपर। तो पैनल पूल आपने देखे थे, ये सारे उसके पैनल्स हैं जो वॉल खड़े होते हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है सारी की सारी, और सारे हमारे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे जितने आपको ये दिख रहे हैं सारे पैनल बने हुए हैं। इसमें हमारे 3-3.5 फुट से लेके जैसे 3.5 फुट हो गया, 4 फुट हो गया, 4.5 हो गया, 6 फुट की हाइट तक के हम पैनल बनाते हैं। ये पीछे की सपोर्टिंग सिस्टम होती है। तो जो हमने भी आपको पूल लाइव दिखाया था जिसको हम लाइनर पूल बोलते हैं, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। अब हम आते हैं आपके बड़े पूल के साथ में। तो पूल के जो साइजेस होते हैं सर, हर तरीके के साइज आप कस्टमाइज कर देते हैं? हमारे पास कस्टमाइज नहीं होते, दो तरह के पूल हैं, प्री फैब्रिकेटेड पूल जिसमें जैसे दिखाया था एनी साइज एनी वेयर एनी टाइप पूल, दूसरे होते हैं फिक्स शेप फिक्स साइज फिक्स डिजाइन। जैसे ये पूल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रोमन पूल, दिस इज 15x7x4.5। इसके ऊपर में जो रखा है वो भी ऑस्टर मॉडल है, इसमें कि दो स्पा और जकूजीज लगे हुए हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो ये करीब 18 फुट का है, नीचे इसके 25 फुट का है, पीछे में आपके 24 फुट का है, उसके नीचे में बीन शेप 24x12 का है। अगर आप इधर देखेंगे तो हमारे डिज़ाइनर पूल हैं कुछ, और कुछ अपने स्टैंडर्ड पूल हैं। स्टैंडर्ड पूल जो होते हैं वो आपको सिंपल कलर में बनते हैं, नॉर्मली इसमें ब्लू कलर के शेड्स होते हैं और कुछ के अंदर हम लोग वाइट कलर दे देते हैं। ओके, जो डिज़ाइनर पूल हैं उसके अंदर में आपको ये डिज़ाइन मिलेगा। तो ये आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसमें पूरा डिज़ाइन मिलता है। जो स्टेप्स होते हैं इनबिल्ट होते हैं, ये पूरे पूल की जो हाइट है ये करीब करीब 25 फुट है, और ये जो नेक्स्ट पूल आप देख रहे हैं ये हमारा 24 फुट का है, लेकिन इसकी चौड़ाई हमारी कम है, हम बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं रख सकते क्योंकि 11-12 फुट से ऊपर में ट्रांसपोर्ट करने में मुश्किल होती है।
ये जो आप पीछे देख रहे हैं पूल, ये करीब करीब 15 फुट बाई 10 फुट बाई 4 फुट का है। तो ये भी दोनों उसी तरह के पुल हैं। वो जो आप पूल देख रहे हैं वो 31 फुट लंबा है और 9.5 फिट और 4 फिट चौड़ा है। एक और हमारी फैक्ट्री है जहाँ पे हमारे सबसे बड़े पूल रखे हैं, तो 40 फुट लंबा हमारे पास पूल है, 12 फिट चौड़ा है, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा पूल है। और ये आप मैं आप जो दिखा रहा हूँ ये लगभग 40-50 मॉडल हैं अपने पास में जो इस तरह के फाइबर ग्लास के पूल होते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ पूल हैं। तो ये पूरी की पूरी जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर चल रही है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर कंप्लीट कटिंग वगैरह करके तैयार किए जा रहे हैं। आपके फिल्ट्रेशन सिस्टम वगैरह लगते हैं जी, और बाकी चीजें लगती हैं। ये और छोटे पूल हैं जैसे अपने 9 फिट बाई 6 फिट बाई 4 फिट का है, ये आप देखेंगे तो ये बीन शेप पूल है। इसकी चौड़ाई और लंबाई है करीब 24 फुट बाई 11 फुट। जो पीछे आप देख रहे हैं ये हमारा फैमिली पूल है जो सबसे ज्यादा फेमस है, इसका भी 21 बाई 11 बाई 5। ये हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम, बड़ा फिल्टर बड़े पूल के लिए, छोटा फिल्टर छोटे पूल के लिए, और बड़ा फिल्टर जो कमर्शियल अपने फिल्टर देखा था अभी वो यही वाला फिल्टर है जो वहाँ पे आपके साइड पे लग जाता है। ओके। इसके अलावा जो और सारा कुछ हमारा यहीं बनता है, मैन्युफैक्चरिंग सारी यहीं होती है, और ये हमारे पूल लाइनर्स होते हैं। तो जो आपने अभी पूल देखा था वो ये वाले डिज़ाइन का था जिसको हम ग्रेनाइट मॉडल बोलते हैं। उसके अलावा प्लेन ब्लू मिल जाएगा, स्पार्कल मिल जाएगा, आपके ग्लास मोज़ेक मिल जाएगा। यानी कि सर जो आप ग्रेनाइट वाला पूल दिखा रहे थे उसके अंदर ये वाली ही लाइनिंग, यही वाली लाइनिंग है, लेकिन मुझे दूर से देखने में ऐसे लग रहा था कि असली ही ग्रेनाइट लगी हुई है। असली ही ग्रेनाइट लगते हैं। तो बेसिकली वो पर्पज यही होता है कि वो दिखे आपका कॉन्क्रीट जैसा, बट वो प्रीफैब में। ये हमारे हीट पंप्स हो गए जो पानी को गर्म और ठंडा कर लेते हैं। ओके। तो अगर सर्दियों में चाहिए तो गर्म कर लें और गर्मियों में आपका ठंडा कर लें। तो ये सारे हमारे पास आइटम हैं जो इस प्रोडक्ट में बनते हैं। सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग यही होती है, स्टोरेज यही होती है, फिक्सिंग यही होती है, और जो आफ्टर सेल है वो भी हम ही देते हैं। तो इसीलिए आप देखिए 25 साल से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं जी। और 25 साल से हमारे जो कस्टमर की रिटेंशन रेट है बहुत अच्छी है, और वही कस्टमर हमारे पास रिपीटेड आते हैं। ये आपके फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो मल्टीपल पार्ट्स में बनते हैं, ये अलग अलग तरह से अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग सिस्टम बनते हैं। सर जैसे कि कोई फैमिली पूल वगैरह लगवाना चाहता है तो उसके ना बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पूल के लिए जगह कितनी चाहिए होगी, अगर छत पे लगवाते तो लीकेज तो नहीं होगी, सर उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो लीकेज का तो कोई चांस होता नहीं, लीकेज सीपेज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब रही बात आपके पास जगह कितनी है, तो दो तरह के पूल हैं। जैसे रेडीमेड पूल है तो आपको देखना पड़ेगा भाई उतनी बड़ी क्रेन चली जाएगी नहीं चली जाएगी, छत पे कैसे लेके जाओगे। जो प्रीफैब है उसमें वो समस्या नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आपका वजन कैसे है आपकी छत लेके। तो हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है, हम आपको पूल में एक्सपर्ट बता सकते हैं, पूल की फिल्ट्रेशन बता सकते हैं, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर का एक्सपर्ट है वो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है। तो बच्चों के पूल के लिए हम मान के चलते हैं कि 40 kg/sq ft का प्रेशर होता है, 40 kg/sq ft का प्रेशर आप अपने आर्किटेक्ट को बताइए, उस हिसाब से आपका स्टील और थिकनेस वगैरह बताएगा। तो सर यहाँ तक बड़े पूल की बात करें, जैसे 4 फुट का पूल होता है तो आप समझो 90 kg/sq ft का प्रेशर आता है। जैसे 20 फुट बाई 10 फुट का पूल है तो 20,000 लीटर पानी हो गया, तो 200 स्क्वायर फीट पर 20,000 लीटर अप्रॉक्सीमेटली 100 kg/sq ft का प्रेशर पड़ता है। तो वो आप डिजाइन कराएं, उसके बाद धरले से रखें, लीकेज सीपेज का हमारी गारंटी है, 15 साल की हम गारंटी देते हैं। ओके। 25 साल हमको पूल बनाते हो गए, पहले हम कंक्रीट के पूल बनाते थे, हजारों पूल हमने ये दिए हैं और आज तक भी कोई कहीं शिकायत आया नहीं। तो 15 साल की वारंटी के साथ आपको यहाँ पर पूल मिलते हैं, लीकेज वगैरह की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सर जो भी हमारे व्यूवर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने घरों के अंदर पूल लगाना चाहते हैं, उनके दिमाग में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि कॉस्टिंग क्या होने वाली है छोटा पूल लगाने के। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आपके लिए कॉस्टिंग नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ये कोई ऐसी बड़ी कॉस्टिंग नहीं है। हमारा मिशन ही है एवरी होम डिजर्व्स ए पूल, बिल्कुल। बट अगर आप हवा वाले पूल से कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन नहीं है, फिर आप वो ही लीजिए, दीवार दीवार होती है, पर्दे पर्दे होते हैं, बिल्कुल। तो हम पर पीस के हिसाब से देते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, डायरेक्टली आपको देते हैं। रेट हम इसलिए नहीं बताते कि अगर मैं 3 साल पहले कोई रेट बताया तो आज की रेट में मेरे पास कस्टमर आ गए थे जी आपने तो ऑडियो में ये बोला था, बट मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप एक मीडियम साइज सेडान अफोर्ड कर सकते हैं 10-15 लाख की, तो आप पूल भी आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से आपको एक अंदाज़ा दे दिया है सर ने कि अगर आप एक गाड़ी लेकर उसको मेंटेन कर सकते हैं तो पूल को भी मेंटेन कर सकते हैं। सर पूल की मेंटेनेंस गाड़ी की मेंटेनेंस से बहुत कम होती है, 500-1000 रुपए महीना होती है। ओके। तो बहुत ही ज्यादा कम मेंटेनेंस आपको पूल मिल जाते हैं, और पूल की देखो मैन्युफैक्चरिंग पूरी यहीं पर ही चल रही है, देख सकते हो यहाँ पर प्री फैब्रिकेशन चल रही है, यहाँ पर देख सकते हो लिक्विड वगैरह लगाया जा रहा है, और मजबूती की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पूरा प्लांट इन्हीं का है, 15 साल की आपको वारंटी मिल जाती है, साथ में यहाँ पर आकर आप विजिट भी कर सकते हो। सर विजिटिंग वगैरह फ्री? हाँ, विजिटिंग होती है, हमारे 3 ऑफिसेज हैं और जितने भी हमारे डीलर्स हैं उनके यहाँ भी हम लोग लाइव पूल रखते हैं, लेकिन फैक्ट्री में देखने का पूल आका वो नहीं होता जो आपको एक लाइव पूल का होता है। तो जैसे हमने आपको
फार्म हाउस से पूल दिखाया है, उसका जो व्यू अलग है, फैक्ट्री का अलग है, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टाइम पे हमारे पास करीब 500 पूल रखे ही हुए हैं, बिल्कुल, जो कस्टमर के हैं या जाने हैं या उनके ऑर्डर्स हैं। तो काफी सारे पूल जो है वो रेडी टू मूव भी है आपके पास में। और आज की डेट में थोड़ा सा सीजन टाइम होता है तभी नहीं होते, अदरवाइज नॉर्मली अगर कोई पर्टिकुलर डिजाइन नॉर्मल डिजाइन है होता है, इन जनरल नहीं होते, थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। तो सर जैसे कि आपने एक प्लेन पूल दिखाया था और एक जो मार्बल वाला पूल दिखाया था, उसमें डिफरेंस क्या होते हैं सर? डिफरेंस यही होता है कि आपको एक प्लेन साड़ी होगी, एक डिजाइनर साड़ी होगी जी, तो डिजाइनर साड़ी में मेहनत ज्यादा लगती है, काम ज्यादा होता है, सिमिलरली उस पूल में देखने में अच्छा लगता है, बाकी फंक्शनल वाइज तो वो ठीक ही है, वो भी पानी का रिटेन करता है, प्लेन भी करता है, थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ओके सर, जैसा कि कोई भी पर्सन है जो पूल खरीदना चाहता है, लगवाना चाहता है, उसको उसके अंदर मोटर वगैरह होती है, सारी चीजें होती है, फिल्ट्रेशन होती है, वो सारा मतलब आप इंक्लूड करके देते हैं हमारा? आपको सिर्फ एक एजेंसी चाहिए अपने पूल के लिए, आपको 10 एजेंसी नहीं चाहिए, आपको सिविल वाला अलग नहीं चाहिए, आपको टाइल वाला अलग नहीं चाहिए, आपको सरिया वाला अलग नहीं चाहिए, आपको प्लम्बिंग अलग नहीं चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल अलग नहीं चाहिए, आपको फिल्ट्रेशन सिस्टम अलग नहीं चाहिए, आपको टाइल और वाटर प्रूफिंग का अलग नहीं चाहिए, यहाँ पे एक ही आदमी आपका सारा काम करता है और वही आपको गारंटी देता है, यानी कि फिटिंग वगैरह सारी चीजें आप सॉल्यूशन है, आपको सब कुछ हमारा मिलेगा। और हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि मेड इन इंडिया चीजें लगाई जाएं जो कि मेंटेन करनी आसान हो और उसका फ्यूचर भी बेटर हो। सर जैसा कि आपने पहले बताया था मेरे को कि यहाँ से आप हमें एक साइट पर भी लेकर जाएंगे जहाँ पर आपने पूल को लगाया हुआ है, लाइव पूल दिखा रहे हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पूल है, 15 फुट बाय 30 फुट का लाइव पूल है, तो वो भी आप एक अच्छे से देख सकते हैं किस तरह से मेंटेन होता है, तो वो भी हमने छोटा सा इसमें पोर्शन दिया। ओके थैंक यू। तो अरुण सर हमें एक ऐसी साइट पर लेकर आ चुके हैं जहां पर उन्होंने एक कस्टमर का प्री फैब्रिकेटेड पूल इंस्टॉल किया है, और इस पूल के अंदर क्या खासियत है, कैसे इंस्टॉल होता है, वो जानकारी देंगे। सर एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए इसके बारे में। हमने आपको भी फैक्ट्री में बनते हुए दिखाए हैं स्विमिंग पूल, आज हम एक कस्टमर के यहाँ लेके आए हैं, हमारा 3-4 साल पुराना पूल है, इन्होंने छोटा सा फार्म हाउस बनाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड पूल। इसका हमारा पर्पज़ होता है एनी साइज एनी शेप एनी वेयर पूल, इसको आप ज़मीन के अंदर, छत के ऊपर, बेसमेंट में, आपके बालकनीज में, कहीं पे भी पूल लगा सकते हैं। छत पे सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि पूल वजन ले पाएगी नहीं ले पाएगी। सर जैसे कि कुछ लोगों के दिमाग में एक छोटा सा थॉट होता है छत के ऊपर पूल लगाने के बाद में, उनको ये होता है कि सीलन वगैरह आने के प्रॉब्लम सोचते हैं वो। सो अगर आपको सीलन की समस्या है या आपको लगता है कि पूल का, अगर कंक्रीट के पूल वजन ज़्यादा होते हैं, तो ये वाले पूल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर में मेम्ब्रेन लगी होती है जो पानी को बिल्कुल सीपेज की बात छोड़ दीजिए, कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी लीकेज सीपेज कहीं भी किसी तरीके से नहीं आएगी। सर जैसा कि पूल को लगाने के लिए एक तो जगह की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है? नहीं देखो, ये जो हम आप पीछे पूल देख रहे हैं मेरे, ये 15 फुट बाय 30 फुट के आसपास है। ओके। और इसमें कोई भी हमें एडिशनल स्पेस नहीं चाहिए, ना इसमें कोई एडिशनल प्लम्बिंग चाहिए, ना इसमें कोई अलग से रूम चाहिए, ना इसमें कोई बैलेंसिंग टैंक चाहिए। तो ये अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम लगते हैं, 0% वाटर वेस्ट होती है, ये जो आप पानी देख रहे हो करीब 1.5-2 साल पुराना है, यही पानी रहता है, ना निकालते हैं ना डालते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी क्लोरीनिंग कंजम्पशन है या रनिंग कॉस्ट है वो कमती हो जाती है। सर पूल के अंदर ना काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि पहले जो टेक्नोलॉजीज होती थी, क्योंकि मुझे पता है कि 1995 से आप लोग पूल बना रहे हो, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती जा रही है वैसे वैसे नई चीजें आती जा रही है, तो अभी इस पूल के अंदर आपने बताया है कि 1 साल तक आपको पानी चेंज नहीं करना पड़ा, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है कि पानी चेंज करने की जरूरत नहीं? कोई भी टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है चीजों को सिंप्लीफाई करना, और हमने स्विमिंग पूल के अंदर ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। ये जो आप फिल्ट्रेशन सिस्टम देख रहे हैं, ये हमारा इनबिल्ट इनहाउस डिजाइन पेटेंटेड डिजाइन है। okay. ये हमने 2007 में पेटेंट लिया था, और इस पेटेंट के जरिए हमने, अभी एक मॉडल आप देख रहे हो, हमारे पास 10 मॉडल हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है कि हम यहाँ पे कार्ट्रिज फिल्टर डालते हैं आगे की तरफ। okay. जो कि यही फिल्ट्रेशन सिस्टम है, यही सर्कुलेशन सिस्टम है, यही अंडर वाटर लाइट है, यही फ्लोर क्लीनर है, तो सारी चीजें इसी के अंदर है। सामने में इसके आपके कार्ट्रिज फिल्टर लगे हैं जो आपके फ्लोर क्लीनिंग के लिए होते हैं। इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको खोल के अपना, ये आप देखिए, ये फ्लोर क्लीनिंग सिस्टम खत्म हो गया और आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम शुरू हो गया। ओके। इसके अंदर में जो कार्ट्रिज फिल्टर लगाता है, इसी की बदौलत आपको 0% वाटर वेस्टेज है। सेकेंडली हमने क्या किया है कि पहले फिल्टर दिया बाद में पंप लगाया, सो दैट कि पंप की जो भी वियर एंड टियर है वो भी आपकी खत्म हो जा रही है। यहाँ पे अगर आप पंप देखें तो पंप के अंदर बिल्कुल ड्राई है, ना कुछ है, ना पत्ते आएंगे, ना कुछ भी क्लोगिंग मटेरियल नहीं आएगा। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल चेंज है, नंबर एक फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर। दूसरा क्या रहता है कि आपका जो फ्लोरिंग देख रहे हैं आप, अगर आप फ्लोरिंग देखें तो ज्यादातर आपने पूल में देखा होगा कि बीच बीच में आपको ब्लैक ब्लैक कलर का एक मार्किंग होती है। इस पूल में अगर आप थ्रू आउट देखेंगे, स्पार्किंग कलर है बिल्कुल, और कहीं पे भी आपको जॉइंट नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। इसी की वजह से जो पानी साफ रहता है, एल्गी फंगस बैक्टीरिया जो टाइल के बीच में चिपकता है नहीं चिपकता है,
तो ये पूल की जो सरफेस है या पूल का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ये दो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन है जिनकी वजह से इस तरह के पूल ज़्यादा बन रहे हैं और ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो ये बनाने आसान है, चलाने आसान है, लगाने आसान है और आपकी जेब खर्च पे भी कम असर पड़ता है जब आप मेंटेन। तो सर जैसा कि आपने जेब खर्च की बात की है तो मेरा एक क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर, और इस पूल का जो साइज आपने बताया था सर कितना बताया था? ये 30x15x4.5 की डेप्थ है इसमें। अगर कोई इससे छोटा पूल अपने घरों के अंदर लगाना चाहता है या फार्म हाउस के अंदर लगाना चाहता है तो उसके लिए सर क्या वो रहता है? देखिए ये अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप कोई गाड़ी लेने जाते हो जी, तो एक सिंपल गाड़ी होती है, फिर एक एक्स वाई जेड लग्जरी मॉडल होता है। सेम तरीके से ये प्लेन पूल है, इसी के अंदर अगर हम फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाएं, फाउंटेन सिस्टम लगाएं, एलईडी हीटिंग सिस्टम लगाएं, हीट पंप्स लगाएं, तो इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो सेम तरीके से कोई भी पूल की कॉस्टिंग एज थंब रूल नहीं होती, यदि स्क्वायर फीट कितना है नहीं हो सकता, पर पीस होता है, साइज बताइए, फीचर्स बताइए, उसके बाद लीजिए। क्या हम इस वीडियो में थोड़े बहुत प्राइसिंग वगैरह ओपन कर सकते हैं? ये आप मान के चलो कि अगर आप एक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो मिड साइज की, तो आप ये पूल भी अफोर्ड कर सकते हो। ओके, ये पूल का साइज जैसे 15x30 का है तो लगभग आप समझो 10-11 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा। ओके, यानी कि बहुत ही बेहतरीन कॉस्ट के अंदर आपको पूल्स वगैरह यहाँ पर मिलने वाले हैं। सर मैंने सुना है कि जैसे कोई आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी होती है, तो बेसिकली हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, तो अगर किसी को बेच रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली वगैरह में हम नहीं देते, लेकिन अदर सिटीज में, अदर कंट्रीज में हम लोग ये डीलरशिप दे सकते हैं, और ये सारे एक्सपोर्ट होते हैं हमारे, काफ़ी जगह में हमने एक्सपोर्ट भी किए, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अभी भी कर रहे हैं हम लोग, उसके अलावा इजिप्ट और साउथ अफ्रीका वगैरह में भी काफ़ी पुल हमारे जाते हैं। सर अभी बिजनेस की जैसे बात आई है तो सबसे पहली बात आती है मुनाफे की, तो सर क्या मुनाफा उनको मिलने वाला है? ये मुनाफा तो बेसिकली कितना काम करते हो आप, क्या करते हो, मुनाफा तो कोई भी काम करोगे आप आएगा ही। बिल्कुल, चार्ट बेचोगे उसमें भी आएगा, एरोप्लेन बेचोगे उसमें भी आएगा, तो डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी मार्केटिंग कैपेबिलिटी कितनी है, आप कन्विंसिंग कितने हो। हम उन्हीं लोगों को अपने साथ लेते हैं जो उस तरह की सोच रखते हैं कि कस्टमर को कितने अच्छे तरीके से आप सर्विस दे सकते हो। ओके, कितने लंबे टाइम तक दे सकते हो, हमको 25 साल हो गए इस काम लाइन में करते हुए, 25 साल में हमने हजारों लाखों पूल बनाए हैं और हमारा जो कस्टमर रिटेंशन रेट है बहुत अच्छा है। हम लोगों का कोई मतलब देखो 0.1% को तो आप नहीं कर सकते, अदरवाइज 99.9% कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड है। 25 साल पहले जो कस्टमर मेरे पास थे, आज भी अगर उनको दोबारा पूल बनाना होता है मेरे पास आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हों, चाहे वो प्राइवेट हों। बड़े सारे लोग हैं जिनके होटल्स हमने 96-97 में बनाए, आज भी हमारे पास आते हैं। इसरो है एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का बेस्ट है, वहाँ पे हमने दो पूल लगाए, एक हमने 2003 में लगाया, दूसरा 19 में लगाया। तो पहले हमने कॉन्क्रीट पूल बनाए, उसके बाद में लाइनर पूल लगाए। तो टेक्नोलॉजी के साथ अगर हमारे साथ चल सकते हो या इस चीज़ को कस्टमर सेंट्रिक बना सकते हो तो आप हमारे साथ काम करिए। खाली मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए अगर काम करना चाहते हो तो ये बिजनेस मुनाफे प्रॉफिट बाद में है, मुनाफा प्रॉफिट आपके कस्टमर है। मॉनेटरी मुनाफा तो कुछ भी काम करेंगे आप आएगा। यानी कि एवरीथिंग तरीके से कोई भी यहाँ पर आकर डील कर सकता है।